नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। तो आइए देखते हैं आज की कुछ घटनाएं। लखीमपुर खीरी के पलिया में बड़ा सड़क हादसा, कार पलटने से 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी में पलिया तहसील इलाके में भारी मार्ग पर सड़क किनारे गड्ढे में फंसने की वजह से मंगलवार सड़क के किनारे SUV कार पलटने से सड़क में हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। SUV कार में 12 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। सुकनपुर निवासी कार सवार राजू पाल ने बताया कि वह शाहजहांपुर से टैक्सी कार में सवार हुए थे। पलिया के आगे सड़क कटी थी। ड्राइवर को झपकी आई या नींद, यह पता नहीं चला है। गाड़ी सड़क के किनारे गड्ढे में फंसकर पलट गई, जिसमें उनके परिजन नियम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने JCB की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला और राहत की सांस ली। मौके पर SDM कार्तिकेय सिंह पहुंचे और मौके की जांच कर रहे हैं। कुछ इस तरह है बर्थडे बॉय कार्तिक आर्यन की जिंदगी से जुड़ी बातें। कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। आज भले ही कार्तिक आर्यन का नाम बॉलीवुड के सफल स्टार में गिना जाता है और उनके पास फिल्म लाइन लगी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए घर से नहीं निकले थे। दरअसल कार्तिक आर्यन ने अपने घर वालों को अपने एक्टर बनने का सपना पिछले छिपाने के लिए इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन करने का नाम बताया था। उन्होंने नवी मुंबई एक कॉलेज में एडमिशन किया था, लेकिन कार्तिक ने अंदर एक्टर बनने का जुनून सवार था। यही वजह थी कि कॉलेज में टाइम पर भी नहीं जा पाते थे। कार्तिक का इंडस्ट्री रिलीज शुरू हो गया था। अभिनेता ने खुद अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं कार्तिक आर्यन की स्ट्रगल की कुछ बातें। कार्तिक आर्यन ने खुलासा किया था कि चाहे आज कितने उनके पास फिल्में की लाइन लगी है, इनके लिए समय ऐसा भी था कि जब उन्हें छोटे मोटे ऑडिशन देना पड़ता था। कार्तिक के अनुसार जब वह मुंबई फिल्मों में काम की तलाश करते के लिए निकले थे, तब वह कुछ बहुत अलग था। कार्तिक ने अनुसार उनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे और वह अक्सर नवी मुंबई में मुंबई तक लोकल ट्रेन में आते थे और टिकट से सफ़र करते थे। यही नहीं, स्ट्रगल के दिनों में कार्तिक लगभग 12 लोगों के साथ एक ही रूम में रहते थे। अपने शुरुआती दिनों में कार्तिक आर्यन किसी डियोड्रेड के लिए ऑडिशन देने के लिए गए थे, जिसमें उन्होंने रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। दरअसल कार्तिक आर्यन के इस डियोड्रेंट के ऑडिशन के लिए अंदर भी नहीं जाने दिया था, उन्हें बाहर से ही देखकर ही रिजेक्ट कर दिया गया था। कार्तिक को 3 साल तक चले ये रिजेक्शन बुरे लगते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, प्रयास जारी रखा। कड़ी मेहनत के बाद और मशक्कत के बाद कार्तिक को साल 2011 में एक्टिंग का मौका मिला और उन्होंने प्यार का पंचनामा फिल्म में अपनी एक्टिंग का दमदार रूप दिखाया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस समय भी कार्तिक के पास कई फिल्में हैं, जिसमें फ्रेडी और शहजादा का नाम शामिल है। कियारा विक्की की केमिस्ट्री पर आया कैटरीना और सिद्धार्थ का रिएक्शन। विक्की कौशल, कियारा अडवाणी और भूमि पेटनेकर स्टार्टर फिल्म गोविंदा ना मेरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में इक्की टिकट काफी मजेदार लगी है। बता दें कि गोविंदा ना मेरा सिनेमाघरों में न रिलीज होकर सीधा OTT पर आएगा। ट्रेलर रिलीज होने के बाद विक्की कौशल की पत्नी कैटरीना कैफ और कियारा अडवाणी के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी इस पर रिएक्ट किया है। बता दें कि दोनों की यह फिल्म दिसंबर को रिलीज होने वाली है। कैटरीना कैफ ने अपने पति को गोविंदा ना मेरा ट्रेलर का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए कैटरीना ने लिखा, यह काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, कैटरीना से प्यार मिला है। विक्की कौशल ने अपनी पोस्ट को अपने अकाउंट पर दोबारा साझा किया है, लिखा माय। इसके साथ उन्होंने कई सारे दिल वाले इमोजी भी पोस्ट किए। इसके अलावा कियारा अडवाणी कथित बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा
से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया था। उन्होंने लिखा, यह बहुत ही मजेदार कास्ट है और बेहद दिलचस्प कहानी है। यह एक मजेदार साइड लग रही है। इस फिल्म को देखने का इंतजार कर रहा हूँ। बता दें कि इस पोस्टर में उन्होंने भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी और विकी कौशल की टैग किया है। हाल ही में गोविंदा ना मेरा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। यह फिल्म कॉमेडी, क्राइम और सस्पेंस से भरी हुई है। इस फिल्म की डायरेक्शन शशंका खेतान के किया है, जो कि हम टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्री की दुल्हनिया, धड़क जैसी कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।